2024 में सोलर पैनल्स की कीमतें काफी ज्यादा कम हो चुकी है और साथ ही गवर्नमेंट ने सोलर सब्सिडी का अमाउंट भी बढ़ा दिया है। तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और हम इस सिस्टम पर अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं और 2024 में 3 किलोवाट के सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्च आता है और साथ ही गवर्नमेंट से हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेसिकली सोलर सिस्टम दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है ऑन ग्रिड और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम वो होता है जिसमें पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का यूज नहीं होता। ये सिस्टम ग्रिड के साथ में पावर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाता है, जबकि ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का यूज होता है और ये सिस्टम ग्रिड के साथ में पावर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। ये दोनों टाइप के सिस्टम काफी इंपोर्टेंट है और इसीलिए आज इस वीडियो में हम इन दोनों टाइप के सिस्टम की प्राइस के ऊपर डिटेल में बात करने वाले। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बना देता है। सर्दियों में थोड़ी कम बनाता है, गर्मियों में थोड़ी बनाता है, लेकिन पूरे साल का एवरेज देखे तो 3 किलोवाट का सिस्टम एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट कर देता है। और बात करें कि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आप अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं, तो अगर आप लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है अपने यहाँ पर, तो ऑन ग्रिड सिस्टम में कोई भी लिमिट नहीं होती है। आपके घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट है, चाहे वो हैवी हो या फिर नॉर्मल हो, उन सब इक्विपमेंट को आप एक साथ रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 किलोवाट का सिस्टम अपने यहाँ पर इंस्टॉल किया है और उस सिस्टम से 3 किलोवाट की पावर बन के आ भी रही है दिन के टाइम में, लेकिन आपके घर के अंदर 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ज्यादा का लोड चल रहा है, तो 3 किलोवाट की पावर तो आएगी सोलर से और बाकी जो पावर आएगी वो आएगी ग्रिड से। दोनों पावर एक साथ सिंक्रोनाइज होगी और सिंक्रोनाइज होने के बाद में आपके घर का लोड चलने वाला है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके घर के अंदर चाहे कोई भी हैवी इक्विपमेंट क्यों ना हो, वो 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम पर इजीली चल पाएगा। लेकिन अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करवाया है, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर यूज में आता है, उस इन्वर्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का ही आप लोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 3 किलोवाट की सिस्टम के अंदर हम 3 KVA का इन्वर्टर यूज करते हैं और 3 KVA के इन्वर्टर पे हम 2400 या फिर 2500 वोल्ट तक का मैक्सिमम लोड रन कर सकते हैं एक टाइम पर। तो आपके घर की जो नॉर्मल लाइटिंग है, पंखा है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, या जो वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, या फिर आपका जो गीजर है 1 टन तक का या 1.5 टन तक का इन्वर्टर ऐसी है, वो सब इसके ऊपर आसानी से चल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एक टाइम पर जो लोड है वो 2400 या फिर 2500 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो सिस्टम ओवरलोड होके ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 2024 में 3 किलोवाट के सिस्टम को लगवाने का एग्जैक्ट कितना खर्च आता है। देखो, सोलर सिस्टम के अंदर काफी सारे कंपोनेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 1 by 1 करके इन सभी कंपोनेंट को समझ लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इन कंपोनेंट की क्या प्राइसेस है और फिर लास्ट में इन सब कंपोनेंट की प्राइस को हम एक साथ जोड़कर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 किलोवाट सिस्टम को लगाने में कितना खर्च आता है। नंबर 1, सोलर पैनल। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में 3 किलोवाट के ही पैनल का इंस्टॉलेशन किया जाता है और अभी के टाइम पर मार्केट में दो ही टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक है मोनोपर्क हाफ कट और दूसरी है टॉपकॉन हाफ कट, और इन दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर बाइफेशियल पैनल भी अवेलेबल है। अगर आप मार्केट में पैनल लेने जाते हैं तो आपको मोनोपर्क हाफ कट 24,000 से लेकर 25,000 रुपए पर किलोवाट की प्राइस के हिसाब से मिलेंगे और टॉपकॉन हाफ कट 25,000 से लेकर 27,000 रुपए पर किलोवाट मिलने वाले। यहाँ पर मैं आपको जिन भी कंपोनेंट की प्राइस बताने वाला हूँ, वो सब कंपोनेंट बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंपनी की तरफ से आते हैं और साथ ये जो प्राइस है ये विद GST होने वाली है। नंबर 2, सोलर इन्वर्टर। 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर 3 किलोवाट का इन्वर्टर यूज किया जाता है और 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर 3 केवीए का इन्वर्टर यूज किया जाता है। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम का इन्वर्टर लेने जाते हैं तो ये आपको मार्केट में 44,000 से लेकर 48,000 रुपए का मिलने वाला है। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए इन्वर्टर लेने जाते हैं तो ये आपको 38,000 से लेकर 42,000 रुपए का मिलने वाला है। नंबर 3, बैटरी। 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में नॉर्मली 4 बैटरी का इंस्टॉलेशन किया जाता है। अगर आप मार्केट में 150 AH की C10 रेटिंग की बैटरी लेने जाते हैं तो एक बैटरी 16,000 से लेकर 18,000 रुपए के बीच में आपको मिलने वाली है। आपको 4 बैटरी लेनी है तो ये आपको 64,000 से लेकर 72,000 रुपए के बीच में मिलने वाली है। नंबर 4, माउंटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए मार्केट में स्ट्रक्चर लेने जाते हैं और नॉर्मल हाइट का लेते हैं, यानी कि 2 से 3 फीट हाइट का आप स्ट्रक्चर लेते हैं, तो ये आपको 9,000 से लेकर 10,000 रुपए का मिलने वाला है। अगर आप हाई राइज स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं, यानी कि 5 से 6 फीट का हाइट का आप स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं, तो ये आपको 12,000 से लेकर 15,000 रुपए का मिलने वाला है। नंबर 5, DC वायर। 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम में नॉर्मली 4 square mm DC वायर का यूज होता है और ये वायर मार्केट में आपको 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिलेगा और 3 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम में नॉर्मली 6 square mm या फिर 8 square mm वायर का यूज होता है, जो कि मार्केट में 60 रुपए या फिर 70 रुपए पर मीटर के हिसाब से मिलता है। नंबर 6,
ACDB और DCDB सोलर सिस्टम के अंदर ACDB और DCDB को इंस्टॉल करना कंपलसरी होता है, ये सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। और इन दोनों की जो कंबाइंड प्राइस है मार्केट में, ये आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। नंबर 7, अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर। सोलर सिस्टम की सेफ्टी के लिए हमें अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर भी यूज करना कंपलसरी होता है। अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर मार्केट में काफी अलग अलग क्वालिटी की और काफी अलग अलग लेंथ में मिलते हैं। हमें यहाँ पर केमिकल अर्थिंग की रोड यूज करनी है जो कि 2 मीटर की लंबी होगी, और इसकी जो प्राइजेस है मार्केट के अंदर ये करीबन 2,000 से लेकर 2,500 रुपए के आसपास मिल जाती है। तो 3 किलोवाट के सिस्टम के अंदर हमें नॉर्मली 2 अर्थिंग और 1 लाइटनिंग अरेस्टर लगाना होता है। तो इन तीनों की जो टोटल कंबाइंड कॉस्टिंग है वायर समेत करीबन 10,000 से 12,000 रुपए बैठने वाली है। नंबर 8, मीटर्स। ऑनग्रिड सिस्टम के अंदर हमें मीटर्स को भी इंस्टॉल करना होता है। एक होता है नेट मीटर और दूसरा होता है सोलर मीटर। ये दोनों मीटर एक साथ यूज आते हैं किसी भी ऑनग्रिड सिस्टम में, और इन दोनों मीटर्स की जो कंबाइंड प्राइस है ये 10 से लेकर 12,000 रुपए आपको मिलने वाली है। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर मीटर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब सोलर सिस्टम के अंदर हमें काफी सारे नट बोल्ट भी चाहिए होते हैं, काफी सारे MC4 कनेक्टर भी चाहिए होती है, कुछ केबल टाई भी चाहिए होती है, सेडल्स भी चाहिए होती है, और हमें कुछ कंड्यूट पाइप्स भी चाहिए होती है। तो ये जो अदर्स वाला पार्ट है इसको हम 2 से 3,000 रुपए के आसपास लेकर चल सकते हैं। हमने जो भी मटेरियल मार्केट से परचेज किया है उसको हमें अपने घर या दुकान तक लेकर जाना होगा जहां पर हम सिस्टम लगाने वाले हैं। तो यहां पर जो टेम्पो या फिर गाड़ी का जो किराया है उसको हम 5,000 रुपए मान के चलते हैं। नंबर 10, इंस्टॉलेशन। अब 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम थोड़ा बड़ा सिस्टम होता है, इसको हम खुद से इंस्टॉल नहीं कर सकते, और इसीलिए हमें किसी प्रोफेशनल टीम की यहां पर हेल्प लेनी होगी। प्रोफेशनल टीम से हम इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाएंगे तो वो जो टीम है ये हमसे करीबन 8 से 10,000 रुपए मिनिमम चार्ज करेगी। डिस्कॉम चार्जेस। अगर आप ऑनग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आपको डिस्कॉम के साथ में या फिर आपके जो बिजली विभाग है उसके साथ में कुछ कागजी कार्रवाई आपको करवानी होगी, और इस कागजी कार्रवाई के अंदर आपको 6 से लेकर 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो इसमें किसी भी तरीके की कोई कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो फाइनली ये है वो सब कंपोनेंट जो कि एक 3 किलोवाट के ऑनग्रिड या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। अब हम टोटल करके ये देख लेते हैं कि इन सिस्टम की जो कॉस्टिंग है, फाइनल कॉस्टिंग है, वो कितनी आती है 2024 में। तो बात करें 3 किलोवाट के ऑनग्रिड सिस्टम की, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये 1,85,000 से लेकर 1,95,000 रुपए के आसपास रहेगी। यहाँ पर कंपोनेंट की हमने क्वालिटी जो सेलेक्ट करी है या फिर हमने जो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करी है उसके हिसाब से प्राइस थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। और 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो 2,15,000 से लेकर 2,30,000 रुपए के आसपास आने वाली है। ऑफ ग्रिड सिस्टम की कॉस्टिंग ऑन ग्रिड से ज्यादा होती है क्योंकि ऑफ ग्रिड के अंदर बैटरीज इंस्टॉल होती है और बैटरीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोलर सब्सिडी की। तो सोलर सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम पर ही मिलती है, ऑफ ग्रिड के ऊपर सब्सिडी हमें नहीं मिलती है। और अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम पर भी सब्सिडी लेना चाहते हैं तो वहां पर जो पैनल हमें यूज करने होंगे वो होंगे DCR पैनल। DCR पैनल जो नॉर्मल पैनल्स होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करी, उन पैनल से ये 6 से 7,000 रुपए ज्यादा महंगे होते हैं। बाकी सब्सिडी 3 किलोवाट के ऊपर हमें 78,000 रुपए की गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। और अगर आप सोलर सब्सिडी को कंप्लीट जानना और समझना चाहते हैं तो आपके लिए राइट वाला वीडियो है।